दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान पीएम बोर्ड इज हेडिंग कन्विंसिंग आईएमएफ टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ इज नॉट अ केक वॉक। अबे क्या बोले पाकिस्तान ने, कुछ छोड़ो तो पहले वीडियो ही देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा हर बार की तरह, तो इस वीडियो को यार फैला दीजिए। रिक्वेस्ट करते हैं, आपका प्यार हमें बहुत जरूरी है। आपका प्यार, आपको कुछ भी हमारी वीडियो में सेंजेस करना हो, लगता हो, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह दोबारा से तरक्की होगी। अरे बाबा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। डिफॉल्ट को क्या कहते हैं? दिवालिया, पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था। फिर सुने भगोना शरीफ ने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या किया। आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं। हाँ भाई, कटोरा तोड़ेगा। अब ये जो भी लाएगा अपने भगोने में भरकर लाएगा। यहाँ पर आया हूँ भाई के पास। क्यों भाई? आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए हलवा पूरी हलवा और खीर नहीं है। हलवा पूरी हलवा और खीर नहीं है। हलवा पूरी हलवा और खीर नहीं है। हलवा पूरी बड़ा सख्त प्रोग्राम है। तो बेटा काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। कराची में पहले मुकाबला होता था तालीम का। अच्छा, कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा बच्चे ए प्लस ग्रेड हासिल करते हैं। अच्छा, फिर मुकाबला शुरू हुआ, कौन सी जमात का सबसे ज्यादा भरम है। कौन कितने बंदे फड़का सकता है। अच्छा, और अब मुकाबला हो रहा है कौन कराची वालों को जागते हुए भी डरावने ख्वाब दिखाता है। कौन इस शहर के मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। प्लीज लीव मी अलोन। इस मुकाबले में फतेह करार पाइए वन एंड ओनली मेरी और आपकी बहुत प्यारी हर दिल अजीज भगोना शरीफ की पार्टी PMLN। बेपना लोड शेडिंग से कराची वालों को सबसे ज्यादा अजियत पहुंचाने में मैदान मार लिया। ये पिछले 13 साल का सबसे शानदार रिकॉर्ड है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ। और वैसे भी इस हुकूमत से तो न पेट्रोलियम माफिया संभलता है, न गंदुम और शक्कर माफिया के, इनके तो क्या ही कह रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा अभी नहीं भला क्यों। मेरी मर्जी। सोलर पूरी दुनिया में जब सूरज जो है चमकता है, दुनिया ने देखा, तो वो 8 घंटे या 9 घंटे उसकी लाइफ है, 10 घंटे। क्या कहते हैं जी कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। उसके बाद जब सूरज छुप जाता है, चांद मम आता है, तो सोलर की तवानाई खत्म हो जाती है। ये है तरक्की। इट इज आई मीन एक बच्चा भी इस बात को समझता है। तालियां, आगे बढ़ते हैं। को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया। गरीब का खून निचोड़ लिया। आप लोग सब खाओ। अंदर बांट में लगी हुई है। मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। इंडिया बीइंग द चैंपियन ऑफ 2024। बाप को मत सिखा, चल बात करेंगे इसके हवाले। भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिली और पाकिस्तान को मिला वो नाजुक मोड़ जिस पर पाकिस्तान पिछले 75 सालों से घूम रहा है। कब से उस सर्जरी का हम इंतजार कर रहे हैं जिस सर्जरी के लिए एक इंजीनियर को बिठा दिया है। अच्छा, सर्जरी करे इंजीनियर, तो फिर सर्जन क्या करेगा, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट? सुनते जाइए। इससे अच्छा तो यार फिजा को ही बुला लेते, लहसुन से इतनी अच्छी सर्जरी करती कि पूछो मत। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान को ये दुख नहीं है कि इनकी क्रिकेट टीम सुपर 8 तक भी नहीं पहुंची। पाकिस्तान का दुख ये है कि इंडिया कैसे ट्रॉफी जीत गया यार। क्यों भारत ने ऐसा किया? अब देखना, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रगड़ा जाएगा वो वाकई देखने लायक होगा। खैर, आज नहीं देख रहे, फिर कभी देखेंगे। आज देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का क्या बोलूं, तमाशा वर्ड कुछ कॉमन हो गया। आज देखेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मुजरा। क्या कौसार मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी का क्याम, सरकारी कॉलेजेस में ऐसी होती है क्या आदत, बुनियादी सहूलियात की फरामी वगैरह शामिल हैं। यार ये सब छोड़ो, काफी दिन से बिल्लू रानी नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं कहाँ किसके साथ मुंह काला करा रही है। बिल्लो कूद के दिखा।
हरामीपन सीखा है और सफर करना सीखा है। न पाला बुड्ढा न पाला बीबी कुछ नहीं होगा। ये एक हाफ मछला गया पानी में छपाक। धमाका खेज दिन रहा पार्लियामेंट के अंदर जो बेहयाई देखने में आई आज। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। अमलियों में जितने ने कम मैंने खटू मत गाओ मैं धोखा दो अड्डा मुल्क के थे एक डंडे ना चलन वाला एक चितड़ा चोवे एक कुत्तो पैंदा होवे तो आधे चोल सकदा ओदा साडा मुल्क नहीं चल सकदा। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने की ये मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। अब गर्मी की छुट्टियों के बाद जब पहले दिन स्कूल खुलेगा तो फिर वज़ीरे आला मरियम नवाज की जानिब से तमाम बच्चों को फ्री दूध मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप दो ना आप दो ना आज देखे कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है। क्या बात करता है यार। धूप मरने का मकाम है हम सबके लिए। जबरदस्त एक मिनट बहुत जरूरी बात करने लगी हूँ। अच्छा ध्यान से सुनना। ओके इमरान खान सुन लो, मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। कैसी अपमानजनक बातें करा रहे हो? कौन करेगा? आप करोगे? घर वाले क्या कहेंगे? तो इतना सारा हुआ है। इसलिए है ये लोना। कोई धमाका करने लगो तो मुझे पहले बता देना। मैंने खुद ईद की नमाज एक चर्च में पढ़ी है। क्या बात कर रहे हैं? वो कहते हैं मैंने चर्च में नमाज पढ़ी है। तेरा बाप पढ़ा था नमाज चर्च में ईद की। बिजली आती नहीं थी बल्कि ये जुमला खामोश। बेकारी को कौन पूछता है कि बिजली अवान साहब बैठ जाएं आप अपनी निश्चित पे बैठ जाएं। जब स्पीकर ये था लोड शेडिंग का वो मामला जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत और स्कीम ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको हल किया। कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? संस्कार नाम की चीज नहीं है? ये है वो पाकिस्तान जो कि मोबाइल किसी को भी मोबाइल से वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोबाइल में जो कैमरा है वो नहीं इस्तेमाल करें। मोबाइल इस्तेमाल करना मना है। मोबाइल को आप नहीं करें। मोबाइल के अंदर जो ऐप्स हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अंदर जो चीजें आप इस्तेमाल मोबाइल पूरा लिखा है दहशतगर्दी के खिलाफ। मैं स्पीकर हूं। हम जाएंगे और ऐप पार्टी नहीं हूं। मैं शुक्र है अल्लाह ताला का इस ईमान से वोट लेके इस कुर्सी पे बैठा हूं। चुरुप के साथ ऑपरेशन आप इनकी असेंबली में धक्का मुक्की हो रही है लेकिन ये छोटा चेतन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये उस ढीठ बच्चे की तरह है जो घर से भाषण रट के लाया है और उसको पूरा सुनाए बगैर जाएगा नहीं। चाहे फिर असेंबली में धक्का मुक्की क्या बम फट जाए यार इसके पिछवाड़े के नीचे, लेकिन ये नहीं रुकने वाला। ये है वो चटकी की राह पर चलता हुआ पाकिस्तान। बस नजर ना लगे किसी की। कौन कहता है यार पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की? पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की है कि अब ये जो सारी दुनिया है ना ये पाकिस्तान के एटम बम की धमकी से नहीं डरती, ये डरती है पाकिस्तान के कटोरे से। जो हमने इस तारीख की सबसे बड़ी धांधली ज़दा मेरी हुकूमत के हवाले हुकूमत के जिन्होंने सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है और इसके साथ साथ अपोजिशन के सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो आपस में बैठे और गुफ्तगू नशीद से मसला हल करें। असेंबली के इजलास को शायस्तगी के साथ चलाना है और मैं आपको 20 मिनट का मौका देता हूँ। तो क्रिकेट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई क्रिकेट्स। यो किट बाई। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। कॉमेडी वीडियो था किट्टू राव जी का। अभी इसमें देखो हर बार पाकिस्तान की वीडियो हम रिएक्शन में लाते हैं। बहुत कुछ पाकिस्तानियों को बोला है लेकिन ज्यादा बोलते हैं ना तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। फिर कमेंट में आके कुछ ना बकवास करते हैं। हालांकि उस बकवास का रिप्लाई हम नहीं देते क्योंकि वो
फिर हमारे में और उनने में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और मैं एक वर्ड हर बार बोलता हूँ पाकिस्तानियों के लिए, वो यही है कि जो भी हो रहा है ये आपके सारे के सारे कुकर्मों की सजा है। जो जीणा साहब कुकर्म कर चुके थे, इसकी सजा वो तो निकल चुके, अब ये भी पीछे कर ही रहे। भुगतो और भुगतो। देखो ये बात ये नहीं कि हम तुमसे मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ चुकी है इसलिए हम बोल रहे हैं। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो सहा था ना, मैं बात कर रहा हूँ 1947 के पहले की, ठीक है, जब अंग्रेजों का राज था, वो तो चले गए। फिर महात्मा गांधी ने जो पाठ सिखाया भारतीयों को एजुकेशन का, फिर खादी का, ठीक है, स्वनिर्भर भारत का, ठीक है, स्वाभिमान का, ये सब कुछ सिखाने के बाद जो भारत ने स्पीड पकड़ी थी वो अभी आपको दिख रही होगी। और आपको तो जीणा साहब को एक ही चीज था, उसको तो किंग मेकर बनना था पाकिस्तान का, तो वो बने किंग मेकर, बनाया पाकिस्तान। और मतलब वो बोलते हैं ना कि वो मुफ्त के खाने की आदत डाल दी। बट ये भी एक बात अच्छी हुई ना कि अच्छा हुआ कि तुम लोग हमसे अलग हो गए, ये सबसे अच्छी बात हुई। मतलब भगवान जो करते वो सही, हाँ, ऊपर वाला जो करता है ना वो सही करता है। बस एक धीरज जो बोलते हैं शांति अपने जीवन में लाने की, वो रखना सीख लो तो भगवान हर एक के लिए अच्छा ही करता है। और हर एक की जिंदगी में बुरा वक्त भी आता है और अच्छा वक्त भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा यार, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ी है। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, हमारे भाषण गिरी और लंबी ना हो जाए इसके लिए आपसे दूसरे और एक वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो से विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।